जी हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री साहब ने 5 बजे आकर कहा कि मित्र, खास कर 2 योजनाएं लाया हूँ। एक 18 साल के ऊपर सारे भारतीयों को मुफ्त में टीकाकरण कर दिया जाएगा, वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, एकदम मुफ्त। थैंक यू सर। और एक योजना लाई उन्होंने, और भारत के 80% गरीब अन्न योजनाओं में के तहत मेरे भारतीय भाई बहनों को, मित्रों को 5 किलो अनाज मिलेगा। उसके लिए भी धन्यवाद। 2 योजनाएं लाई, मतलब कमाल है सर। 2 नंबर की योजनाएं जो है, दोनों जो योजना है वो बहुत कमाल है। अपोजिशन तो लेफ्ट जो है वो कभी राइट हो ही नहीं सकता। वो लगे हुए हैं कि ये तो यूपी चुनाव के लिए किया जा रहा है, यूपी चुनाव पे केंद्र जो है अपने आप को केंद्रित कह रहा है, केंद्रित कर रहा है, मतलब आपके विधान का उन्होंने पूरा विधानसभा कर दिया। मतलब वो कह रहा है कि इसके तहत आप यूपी जीतेंगे। मैं हाँ, मैंने कहा हाँ यस, यूपी जीतेंगे, प्राउडली जीतेंगे, और जीतना ही चाहिए। यही सब करके आप मोदी जी यूपी जीतेंगे। यूपी मतलब अनवांटेड पैंडेमिक को आप जीतेंगे, और जीतना ही होगा। बहरहाल 5 बजे आप आए और 5-5 किलो के अन्न के बारे में, अन्न योजना के बारे में आपने बताया। अन्य योजनाएं भी बताई, लेकिन अन्न योजना के बारे में स्पेशली बताया। कहा कि दिवाली तक हमारे ज़रूरतमंद दोस्तों को, मित्रों को, परिवार को 5 किलो भोजन मिलेगा। ये 5 बजे आपने आके ऐलान कर दिया, दिवाली तक। तब तो सर, जब तक आपकी सत्ता रहेगी तब तक आपको रोज़ उन्हें, यानी हर महीने उनको अनाज पहुंचाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। और आप बहुत देर तक उस पद पर रहेंगे, क्योंकि आपकी जादूगर ही ऐसी है। और रहा सवाल दूसरी योजना का, वैक्सीनेशन मुफ्त 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 मुफ्त, ओ प्यारे मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ओ प्यारे मुफ्त मुफ्त, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में होगा, ओ टीका मुफ्त मुफ्त, कोरोना मुक्त मुक्त, टीका मुफ्त मुफ्त। मतलब आप ये जो टीका है इसको आप चंदन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि चंदन जो है उनके बारे में कहा जाता है, चंदन के बारे में कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। अब पूरा देश जो है ये टीकाकरण जब करेगा, तिलक जब लगाएगा, मुफ्त का चंदन, तो जैसे जनधन योजना थी आपकी, जनधन योजना, इसे आप एक नया नाम दे सकते हैं, चंदन योजना। ज़बरदस्त है। और आज का दिन, मतलब 7 तारीख आपने बहुत सही चुनी। 7 का मतलब कई सारे हो सकते हैं। 7 का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि आपने पूरे देशवासियों को मुफ्त कर दिया है। राज्य सरकारों से कहा, भाई चुप रहो, चुपे रहो, तुमसे ना होगा, समझे हैं। कुछ लोग मामा बन रहे हैं, कुछ लोग फूफा बन रहे हैं, बहुत हो गया। कोरोना की पहली वेव, सेकंड वेव, आप सब लोग कहाँ छुप गए, पता नहीं खुले हैं या है आप इन केव, एक वेव के बाद दूसरे वेव के बाद आप केव में तो नहीं, केव मतलब गुफा, और उसमें छुपा है सारा हर राज्य का फूफा। तो मोदी जी ने कहा, भाई तुमसे ना होगा मित्रों, और टीकाकरण पूरे देश में मुफ्त में कर दिया जा रहा है। इस बात के लिए तो
बहुत अच्छी बात है। और सत्ता का मतलब, साथ का मतलब सत्ता भी है, तो कुछ लोग सत्ता के लिए ऐसा आप कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं। साथ का मतलब साथ, साथ नहीं समझ रहे, सत्ता समझ रहे। सबको पता है कि मोदी जी ना खाते हैं ना खाने देते हैं, सीधा सेवन करते हैं। तो सेवन मतलब साथ, और सेवन जो है वो अच्छी चीज़ों का होता है। टीका सेवन भी हो सकता है, तो टीका सेवन सबको मुफ्त में करा रहे हैं, टीका सेवन। कमाल है, अभी 5 से लेकर 5:30 बजे तक जैसे ही मोदी जी ने अपना भाषण ऑन राशन ख़त्म किया, तुरंत मतलब आधे घंटे के भाषण पर 1 घंटे की बहस सब तरफ शुरू हो गई। इधर समित पात्रा, इधर दया का पात्रा, बीच में पत्रकार लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे क्या। समित पात्रा लगे, देखिए देखिए ये बहुत अच्छी बात कही है जो प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत अच्छा विचार किया है, इसको मैं, ये तो इसका ये सराहनीय है। इस बात के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति ना करें। देखिए इस बात के लिए आप उनका आदर करें, सम्मान करें, ये बहुत ही अच्छी बात कही है। अच्छी बात कही है, लेकिन लेफ्ट और जो अपोजिशन वाले वो कहाँ मानते हैं, वो तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए कि नहीं नहीं ये तो पहले करना चाहिए था, अभी कर दिया, बीच में वो सब कितना बड़ा नुकसान हुआ, लोगों का घर घर का नुकसान हुआ, शमशान में जगह नहीं थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं था, दवाइयों का मामला था, ये था, ऊपर से आपने योग डे में क्यों कर दिया, इसका मतलब कि आप ये कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जी का सपोर्ट कर रहे हैं, योग डे पर कर रहे हैं। हाँ, पहला लॉकडाउन भी आपने 21 दिन का किया था, और दूसरे ये जो काम कर रहे हैं आप, फ्री वैक्सीनेशन, पहला लॉकडाउन किया था अब अनलॉक कर रहे हैं, यानी फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो वो भी 21 जून को कर रहे हैं, उसमें भी 2 हफ्ते बाद, यानी 7-7, यहाँ भी आपने सत्ता नहीं छोड़ी है, तो कहीं ना कहीं सत्ता जो है आपके इर्द गिर्द। तो मुझे लगता है देखिए ये देखिए ओहो इनके विचारों से तो मतलब अच्छा ही, देखिए यहाँ पर भी आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिविटी ढूंढिए, देखिए कुछ ना कुछ सोचिए, अच्छी बात सोचिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं यार, मतलब 18 साल के ऊपर वाले को 21 तारीख से मुफ्त वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये टीकाकरण है शादी है, क्योंकि 18 साल के ऊपर लड़की की शादी की परमिशन होती है, और 21 के 21 तारीख से दिया जा रहा है, 18 साल की उम्र के ऊपर के, और 21 तारीख से 21 जून से दिया जा रहा है, तो 18 और 21 हुआ, मतलब शादी का मामला तो नहीं, क्योंकि 21 भी है शामिल, 21 तो कहीं ऐसा तो नहीं, गठबंधन तो नहीं हो रहा कुछ। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये 150 रुपये भी क्यों, ये 150, भाई साहब आप कितने 150 शाने हो रहा है काम, तो फिर अब 150 से हुआ लेकिन 150 से आए दुरुस्त तो आए ना। आप टीकाकरण की तारीफ करो, ब्लू टीका की तो बहुत तारीफ कर रहे हैं आप, ब्लू टीका पे तो बहुत टीका कर रहे हैं, लेकिन टीकाकरण पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। कभी ना कभी तो मिलके क्या करो, गुरुजी, राजू, राहुल जी, लव यू। कोई महिला डिबेट में आकर कह रही है, आप लोग ऐसे वादे तो कर देते हैं कि दवाइयाँ मिलेगी, और केमिस्ट की दुकान पर दवाइयाँ मिलती नहीं है, केमिस्ट से तो आपकी केमिस्ट्री ठीक नहीं है, तो पहले केमिस्ट के पास दवाइयाँ पहुँचाइए, फिर वादे और जुमले कीजिए। बहन मतलब थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा सहन, तभी तो बदलेगा रहन सहन। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, अब मिल के लड़ेंगे कोरोना की लड़ाई, और कोरोना से देंगे दुनिया से विदाई, कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई। हम सब एक हो जाते हैं, सरकार का साथ देते हैं, सरकार को भी चाहिए हम सब का साथ दे, क्योंकि पूरे देश ने 100% इस तकलीफ को अपनी फीस दी है। अब समय आ गया है कि एक दूसरे का हाथ थामे और इससे बाहर निकले, ताकि आने वाले 100 साल तक या 1000 साल तक, मैं तो कहूँगा आप सब जियो 1000 साल, यही तहले से दुआ दे रहे सुनील पाल, वरना ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, छोटे मोटे प्रॉब्लम होते रहेंगे। सौजन्य जो है, मैं देख रहा था टीवी पर जब मोदी जी भाषण दे रहे थे, लिखा था सौजन्य डीडी मतलब दूरदर्शन, और दूरदर्शी बनना ज़रूरी है।
डीडी ओडीडी ऐसा ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। लव माय इंडिया, जय हिंद।